अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक कंप्लीट अकाउंट्स इन्वेंट्री और पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर जो कि हम सुपरमार्ट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मास्टर आता है। मास्टर में हमारे पास ग्रुप ऑफ अकाउंट्स आते हैं, टाइटल ऑफ अकाउंट्स आते हैं, मास्टर कैटेगरी प्रोडक्ट्स आती हैं, आइटम प्रोफाइल आती हैं। ग्रुप्स के अंदर जब हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ग्रुपिंग हुई होती है, जैसे पेएबल अकाउंट 04 में बनते हैं, रिसीवेबल 05 में, फिक्स एसेट 49 में, कैपिटल 50 में, परचेज और सेल 60-71 में, एक्सपेंसेस 98 में। इसी तरह हम इन्हीं कोड्स को यूज़ करते हुए मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर हम यहाँ पर पार्टी के हेड्स बनाते हैं। हमारे जितने भी सप्लायर्स होते हैं वो भी, और जितने भी हमारे रिसीवेबल जो उधार लेकर जाते हैं यानी कि क्रेडिट पे सामान लेते हैं वो भी यहीं से बनते हैं। फुल व्यू करने पे हमें वो सब नज़र आएंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास कैश बुक बनी हुई है, ओपनिंग बनी हुई है, सप्लायर हमारा बना हुआ है। ये 04 वाले जितने भी हेड हैं ये सब हमारे सप्लायर हैं। ये डिफरेंट यहाँ पर नेम है, कंपनीज हैं, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे पास 50 के राउंड अबाउट, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बल्कि यहाँ पर सप्लायर बने हुए हैं जो कि तकरीबन 71 के राउंड पर सप्लायर्स हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर काउंटर सेल आ जाती है, जिसमें काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3 है। उसके बाद हम ये वो लोग हैं जो हमारे क्रेडिट पर सामान हमसे लेकर जाते हैं। उसके अलावा हमारे सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जिसमें स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और फूड का एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम 98 के अंदर बनाते हैं। मज़ीद जो भी हम ऐड बनाना चाहेंगे हम ऐड करेंगे, उसका ग्रुप देंगे, जो भी लास्ट कोड होगा वो कोड देंगे, और उसके बाद पार्टी का नेम देंगे यहाँ पे, जो भी हम नाम देना चाहेंगे, और उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर देकर उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर देंगे जो उसका स्टार्टिंग बैलेंस होगा, और उसको सेव कर देंगे। तो इसी तरह जो पार्टी हमने बनाई है हम उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट में, लेजर में से देख भी सकते हैं। यहाँ पर आए, इंटर किया और यहाँ पर हमने वही पार्टी जो हमने बनाई थी उसी को हम यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। जैसे ही हमने वो पार्टी ओपन की तो हमारे सामने उसका लेजर ओपन हो गया कि ये पार्टी है, असलम नाम से है, उसका ओपनिंग बैलेंस 10,000 क्रेडिट का है। उसके अलावा जब हमने पार्टीज बना ली तो हमारे पास मास्टर कैटेगरी प्रोडक्ट आ जाती है। उसका फुल व्यू करने पे हमें पता चलता है कि हाउस होल्ड आइटम्स हैं हमारे पास, टॉयज़ है, कॉस्मेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेबी आइटम्स हैं, ये फूड्स है, बेवरेजेस है, घी ऑयल है, टी है, शैम्पू है, ये जितनी भी हमारे पास कैटेगरी हो सकती हैं वो सब इसमें बनी हुई हैं। मज़ीद जो भी कैटेगरी बनाना चाहेंगे ऐड करेंगे और यहाँ पर हम सेव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है मास्टर आइटम प्रोफाइल। इसके अंदर हम अपनी जो भी बारकोड वाली प्रोडक्ट्स होती हैं सिंपल उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर हम बारकोड स्कैन करेंगे तो वो आइटम्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। इसमें मोर देन 24,000 आइटम्स, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, 24,393 आइटम्स ऑलरेडी इसमें ऐड हैं। क्वेश्चन मार्क लिखा यहाँ पर कोड में, इंटर किया, यहाँ पर रैंडम ए लिखा मैंने, तो ये सब वो आइटम्स हैं जो हमारे पास इस प्रोग्राम में ऑलरेडी ऐड हैं। ये सब कंपनीज की प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं उनके बारकोड के साथ और उनकी प्राइसेस के साथ यहाँ पर हम इस प्रोग्राम में ऐड हैं। ये आपको प्रोग्राम के साथ ही अवेलेबल हो जाएंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हर आइटम की डिटेल नहीं लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सर्च करते हैं हबीब ऑयल 1 लीटर का, तो आप यहाँ पर जैसे ही उठाएँगे उसको इंटर करेंगे उसका बारकोड आ जाएगा, उसकी सब डिटेल आ जाएगी। आपने जस्ट उसके रेट तो देखना है, जो भी रेट इस टाइम पर चल रहा होगा आपने वो रेट यहाँ पर देना है। आपको कॉस्ट रेट में कितने में पड़ रहा है वो कॉस्ट रेट आपने यहाँ पर देना है, और आपके पास स्टॉक में कितना पड़ा। इस टाइम ये मेरे पास ऑलरेडी 586 स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो मैं इसमें अगर 100 स्टॉक में और रख दूँगा तो ये 686 हो जाएगा हबीब ऑयल 1 लीटर वाला। तो इसको मैंने 100 स्टॉक में और करके यहाँ से इंटर किया और सेव करवा दिया। तो जब मैंने सेव किया तो उसके बाद मैंने स्टॉक की रिपोर्ट्स कर ली। हमारे पास स्टॉक में स्टॉक रिपोर्ट ओपनिंग का आता है, स्टॉक इन हैंड आता है, बाय नेम आता है, बाय कैटेगरी आता है। बाय नेम मैंने कहा हमने देखना है हबीब ऑयल। हबीब ऑयल जैसे ही हमने सर्च किया तो हमारे पास यहाँ पर हबीब ऑयल 1 लीटर वाला 686 आ गया है। पहले 586 था, 100 का स्टॉक जो मैंने अभी ऐड किया है वो ऐड होकर 686 आ गया।
इसी तरह हमारे पास अगर मैं स्टॉक इन हैंड ओवरऑल रिपोर्ट देखना चाहता हूँ तो स्टॉक इन हैंड में जाऊँगा, 1 से लेकर 41 तक जितनी भी कैटेगरीज बनी हुई थी कैटेगरीज वाइज, यहाँ पर ये 8 रिपोर्ट्स अलग से लगी हुई हैं और ये हमारी टोटल रिपोर्ट है जिसमें पेज 1 है उसमें हाउस होल्ड आइटम्स में ये प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, उसके बाद पेज 2 आ जाता है टॉयज़ में ये प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, कॉस्मेटिक में ये पड़ी हैं, इसी तरह ये नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं हमारे पास ऑलमोस्ट ये 94 पेजेस के ऊपर स्टॉक पड़ा हुआ है और ये इतनी वैल्यू का है। इस तरह आपको डिफरेंट कैटेगरीज में उनके डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो अलग अलग शो होंगी कि वो कितनी कितनी स्टॉक में आपके पास पड़ी हैं। इसके अलावा हम मास्टर आइटम रेट वाइज में इसका रेट चेंज कर सकते हैं किसी भी आइटम का। एड रिकॉर्ड में आकर हम जो भी सप्लायर और रिसीवेबल बनाते हैं उनसे हम कैश रिसीव और कैश पेमेंट कर सकते हैं। बैंक वाउचर के लिए हम DRCR वाउचर यूज़ करेंगे। परचेज इनवॉइस करते हैं तो हमारा परचेज इनवॉइस सप्लायर से चीज़ परचेज करेगा, ऊपर हम सप्लायर कोड देंगे वही कोड जो हमने अभी बनाया था असलम के नेम वाला, यही हमने दोबारा उठा लिया। यहाँ से हम जो भी चीज़ परचेज करेंगे वो चीज़ हमारे स्टॉक में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी और हमारे परचेजर के लेजर में भी ऐड हो जाएगी। अभी बॉय 1 लीटर 686 हमारे पास ये यहाँ पर अवेलेबल है पहले ही। इसमें मैंने मज़ीद 4 प्रोडक्ट्स और ख़रीदी और इसकी मैंने इसकी वैल्यू यहाँ से ये वाली लगा दी 200, तो 800 की इनवॉइस बनी और ये हमने सेव कर दी। ऑटोमेटिकली पहले तो लेजर पार्टी का और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए 800 का हबीब ऑयल का जो था वो इस लेजर में ऐड हो गया, अब 10,800 क्रेडिट का। इसी तरह जब हम बाय नेम उसी आइटम को सर्च करते हैं स्टॉक में जाकर हबीब ऑयल, और यहाँ पर हमने जब देखा पहले हमारे पास 686 आ रहे थे, अब वो 690 हो गए क्योंकि इस फोर्ट जो हमने ख़रीदे हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे स्टॉक में आ गए हैं। इसी तरह जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास एक होलसेल की इनवॉइस बनती है जो हमारे क्रेडिट वाले कस्टमर्स के लिए होगी। इसमें हम कस्टमर का कोड देंगे, जो भी आइटम सेल कर रहे हैं वो आइटम देंगे और उसको सेव करवा देंगे। मज़ीद उसमें एंट्री हो करनी होगी तो बिल मोर एंट्री, मज़ीद नया बिल बनाना होगा तो ऐड न्यू बिल, उसका बिल अलग से प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेट कैश पे कोई सेल करते हैं तो हम सेल काउंटर ओपन करेंगे। सेल काउंटर पे आए, यहाँ पर हमने कैश काउंटर अपना ओपन किया, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क दिया ताकि हम सर्च कर सकें हम वही वाली प्रोडक्ट हबीब ऑयल सर्च की। हमारे पास यहाँ पर जितनी भी हबीब ऑयल के नाम पे आइटम्स थी वो सब आ गई। ये हमारी फर्स्ट आइटम वही है 690 वाली जो हमारे पास स्टॉक में 690 पड़ी है, ये हमने ली यहाँ पर। हम जितनी भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्वांटिटी देंगे, क्वांटिटी 4 की 250 की, तो ये ऑटोमेटिकली उसका 1000 का बिल बन गया। कैश में आए, हमने कस्टमर ने अगर हमें 5000 का नोट दिया, हम 5000 कैश में देंगे तो चेंज में ऑलरेडी 4000 आ जाएगा। इसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे, हमारे पास ये प्रिंट के अंदर यहाँ पर बिल शो करवा देगा। जैसे ही ये बिल शो होगा हम साथ ही इसको प्रिंट आउट दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी ये इसने बिल शो नहीं करवाया क्योंकि हमारे पास प्रिंटर अटैच नहीं था। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम काउंटर सेल के बाद यूटिलिटी में जाते हैं और काउंटर सेल ट्रांसफ़र टू प्रोग्राम कर देते हैं। ये करने से हमारी काउंटर की जितनी भी सेल होती है वो हमारे मेन प्रोग्राम में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो हम मज़ीद जो भी सेल की होती है हम यहाँ से देख सकते हैं सेल रिपोर्ट में। डेली की सेल रिपोर्ट खोली 31/12/2019, आज की एग्जैक्ट डेट दी हमने जब, तो हमारे पास जो भी सेल हुई थी वो यहाँ पर आ गई। अभी बॉयल 4 सेल किए थे इस रेट में 1000 के, तो 1000 की सेल हमारे पास शो होगी। इसी तरह हमने जब इसका बिल देखा तो हम डुप्लीकेट बिल पे आ गए। डुप्लीकेट बिल पर इसने जो सबसे लास्ट बिल निकला था उसने वही वाला बिल हमें यहाँ पर दिखा दिया कि ये एडमिन था, इस टाइम पे ये बिल निकला था, बिल नंबर ये था, अभी बॉयल था, 4 क्वान्टिटी थी, ये उसका रेट था और 1000 का बिल था, तो ये उसका टोटल एक बिल निकल आएगा जिसे हम थर्मल प्रिंटर से प्रिंट आउट कर लेंगे। इसके अलावा ये थे कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हम स्कैनर के थ्रू स्कैन कर सकते हैं। अगर हम मैनुअल कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं राइस कोई भी हम ओपन जो पैकिंग लेकर ख़ुद बना सकते हैं, तो राइस 01 के नाम पे यहाँ पर एक प्राइस बना हुआ है कर्नल राइस, इसकी ये प्राइसेस हैं 150 की। ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका कोड हम खुद बनाते हैं, तो मैनुअल बार कोड बनाने के लिए हम 4 to 8 वर्ड्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये 6 वर्ड्स हैं हमारे पास, तो इनका जब स्टिकर हम बनाएंगे बारकोड के लिए
तो हम परचेज रिपोर्ट में आते हैं। यहाँ पर बारकोड प्रिंट ऑन बारकोड प्रिंटर हमारे पास ऑप्शन होगी। इसके लिए हम बारकोड प्रिंटर अटैच करेंगे और यहाँ पर जैसे ये ओपन किया, हमने ऐड न्यू किया, यहाँ पर हमने एग्जैक्ट वो कोड दिया RICE01। हमारे पास राइस कर्नल जो आइटम थी वो सामने आ गई। 150 उसकी प्राइस है। जितने स्टिकर हमें चाहिए होंगे हम उतने स्टिकर देंगे। बस बिफोर हम जितनी भी उसकी डेट देना चाहेंगे उतनी डेट देकर हम उसके स्टिकर्स को प्रिंट आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमने सेव किया तो प्रिंटर करेंगे तो वो प्रिंटर के ऊपर कमांड चली जाएगी। हम ऑन स्क्रीन करके यहाँ से प्रिंट करते हैं ताकि हमें वो चीज़ नज़र आए। तो ये देखिए, ये हमारे पास, ये हमारे मार्ट का नेम आ जाएगा, हमारी बेस्ट बिफोर डेट आ जाएगी, प्राइस का कोड आ गया, उसका बारकोड बन के साथ में उसका नेम और उसकी प्राइसेस। तो इस तरह हम अपनी जो मैनुअल प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर खुद बारकोड स्टिकर बनाकर उनके ऊपर लगा सकते हैं ताकि फास्ट बिलिंग में वो काम आ सके। उसके अलावा मज़ीद हमारे पास लेजर है, लेजर डिटेल में है, कैश बुक है जो कि हमारा रोज़ नाम क्या होता है, इसके अंदर हमारी जो भी कैश आती है जाती है उस सारी डिटेल आएगी, टोटल रिसीविंग, टोटल पेमेंट, जो भी लास्ट बैलेंस खड़ा होगा वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा होगा। ट्रायल बैलेंस है, इसमें बैलेंस शीट है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर परचेज रिपोर्ट्स सारी बन जाती है, डेली की, सप्लायर वाइज, आइटम वाइज, परचेज रिटर्न की जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी, सेल की ऐसे ही डेली सेल, काउंटर वाइज, आइटम वाइज, मंथ वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज। अब जो भी हमने प्रोडक्ट सेल की है हम उसकी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जैसे ही रिपोर्ट ओपन की तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आज के दिन में सेल हुई थी वो 4 हबी बॉयल की थी, जो हमें परचेजिंग में 800 की पड़ी थी, सेल हमने 1000 में की है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से 200 का हुआ है। तो ये हमें प्रॉफिट में 200 मिल रहा है, जो कि इसकी रेशो भी दिखा रहा है। इसके अलावा हमारे पास सेल की रिपोर्ट्स के अलावा हमारे पास स्टॉक की रिपोर्ट्स आती हैं। इसमें स्टॉक इन हैंड है, डिमांड लेवल रिपोर्ट है, स्टॉक बाई नेम है, कैटेगरी है। उसके अलावा यूटिलिटी में हमारे पास यूज़र राइट्स हैं, हेल्प है, व्यू है, कोई भी हम नया अकाउंट बनाकर पुराने अकाउंट को उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, काउंटर सेल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, न्यूमेरिक ऑफ को कोई भी अगर एरर आता है रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा बैकअप की ऑप्शन है, एक क्लिक करने पे हमारे पास यहाँ पर बैकअप बन जाएगा। कोई भी वाउचर गलती से हम ऐड कर देते हैं तो उसे हम डिलीट कर सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी हमारे पास सेल है वो हमारे पास इस प्रोग्राम में रिकॉर्ड होती जाएगी। अगर डेली सेल रिपोर्ट में ओवरऑल शुरू से लेकर अब तक खोलूँगा तो मेरे पास जितनी भी सेल्स हुई होंगी वो सब ऐसे मुझे शो करवा देगा ये कि कौन सी आइटम्स, कौन कौन सी कैटेगरी, कितनी कितनी सेल्स हुई हैं, ये उनके इनवॉइसेस नंबर, कितनी कितनी क्वांटिटी और कितनी कितनी वैल्यू। टोटल वैल्यू हमारे पास 16,900 की सेल हुई है और ऑलमोस्ट 98,000 की वैल्यू ये सेल हुई है। तो टोटल हमारे पास इस तरह सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। और इसके ऊपर एक ही टाइम के ऊपर यहाँ पर 2 काउंटर्स हैं, इसमें 3 काउंटर्स भी अवेलेबल हैं, तो एक मेन सर्वर बनाकर हम 3 काउंटर्स के साथ एट अ टाइम बिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद कोई भी रابطہ करना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन है नीचे, और लास्ट पर वीडियो के एंड पर भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर रابطہ कर सकते हैं। शुक्रिया।